डियर स्टूडेंट एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दॉडल इट्स इम्प्लीकेशन इट्स स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर इट्स मैथडोलॉजिकल डिस्कशन डेटा अनाल को हमने डिस्कस किया बट द नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टीमिंगली आनकोरलेटेड रिग्रैशन एनालिसिस किस वक़्त हम इसको यूज करेंगे तो एज पर एज द इकोनमिस्ट अप्रोच वो कहते हैं कि आपकी इकोनॉमी में आप डिफरेंट मॉडल जिस तरह मैंने आपके साथ एग्जाम्पल शेयर की है कि इफ यू आर गोइंग टू लाइक एनालाइज द डेटा ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ योर इकोनॉमी जब डिफरेंट सेक्टर्स का आप डेटा लेते हैं जिस तरह आपने डिस्कस किया है इन द रिसर्च पेपर ऑन बैंक लैंडिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नाइजीरियन इकोनॉमी इन द सेम पैटर्न आप किसी भी इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर को एनालाइज करें देन देर आर सर्टन कॉमन फैक्टर

इसी तरह आप उसको देखते हैं जिस तरह मैंने एग्जाम्पल शेयर की थी इफ़ यू आर लाइक टाकिंग अबाउट डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है दिस इज़ एट माइक्रो लेवल कि यूनिवर्सिटी का जो इन्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट सब सेक्टर को डिटर्मन करेगा अगर यूनिवर्सिटी अकामोडेटिव इन्वायरमेंट रखती है तो सब डिपार्टमेंट पे उसका इम्पैक्ट होगा अगर यूनिवर्सिटी की वो डिप्रेसिंग पॉलिसीज हैं तो वो सब पे उसका इम्पैक्ट होगा अगर स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने की पॉलिसीज हैं तो उसका भी सब पे इम्पैक्ट होगा अगर उनका फोकस स्टूडेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हैं तो वो सब स्टूडेंट के लिए कॉमन होंगे इसलिए आप किसी भी डिपार्टमेंट का डेटा लेते हैं तो उसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे जिनको शायद आप ऑब्जर्व ना करें जिसको अनएक्सप्लेड वेरिएशन में इंक्लूड किया जाता है एंड इन अनएक्सप्लेन वेरिएशन आपका जो एरर्स है वो शो करते हैं और एरर की बेसिस पे हम आगे चलते हैं इसी तरह आपको मैंने शेयर किया है कि इन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव आप किसी भी कंट्री में डिफरेंट फॉर्म्स का डेटा लेते हैं और उन फॉर्म पे कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे जो स्टेट लेवल के हो सकते हैं इस तरह आप किसी डिस्ट्रिक्ट पे डेटा लेते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर बेस्ड है तो उसमें जितनी फॉर्म्स होंगी उन पे उसका इम्पेक्ट होगा अगर उसी तरह आप एक और डिस्ट्रिक्ट उठाते हैं वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर बड़ा सेक्टर नहीं है अगेन देर आर सम कॉमन फैक्टर तो वो जस्टिफाई करते हैं कि यस सोर इज द बेस्ट मॉडल बिकॉज द एर आर हाईली कोरिलेटेड और उनकी बेसिस पे हम ए, क्योंकि अगर आ, आपके एरर कोरिलेट कर रहे हैं और आप सिंपल एक ओएलएस अप्लाई करते हैं देन आपकी फाइंडिंग एफिशिएंट नहीं होगी इसलिए हमने अपनी फाइंडिंग को एफिशिएंट और सिग्निफिकेंट बनाने के लिए द बेस्ट थिंग इज अप्रोप्रिएट मॉडल क्योंकि हम ओएलएस की एजम्पन में भी करते हैं कि बेस्ट फंक्शनल फॉर्म जिस टाइप का डेटा होगा उस तरह की उस पर मॉडलिंग होनी चाहिए अगर आपका डेटा लाइक इफ योर डेटा इज समर्ट ऑफ इन्वर्टेड यू कर इफ इट्स इन्वर्टेड यू कर और आप उस पर सिंपल ओ एल एस सिंपल लिनियर मॉडल अप्लाई करते हैं तो आपका एफिशिएंट रिजल्ट नहीं आएंगे आपके एस्टिमेटर एफिशिएंट नहीं होंगे और आपको री करना होगा कि हमारी उसकी बेसिस पे जो पॉलिसी बन रही है वो रिलायबल नहीं होंगी इसलिए यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल के आपने जब मॉडल सेलेक्ट करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ द डेटा एंड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनोमेटिक्स अप्रोच इकोनॉमेटिक जस्टिफिकेशन जब ये तीनों चीज़ें लाइन में होंगी तो आपके रिजल्ट एफिशेंट भी होंगे आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट भी होंगे और आपके रिजल्ट जो है वो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प भी करेंगे